हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के अंदर हम अर्थ के मोशंस के बारे में और अर्थ पे जो सीजन्स हैं उनकी साइकिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जैसा कि आपको पता है, अर्थ पे दो तरह के मोशन होते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन इज़ द मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या होता है? अर्थ का मोमेंट होता है उसी की एक्सिस के ऊपर, जो उसकी एक्सिस होती है टिल्टेड होती है। तो इसी एक्सिस पे जब अर्थ स्पिन करती है तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। द मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और अर्थ का मोमेंट सन के चारों तरफ, जैसे सन बीच में है और इसके चारों तरफ अर्थ जो है एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है, इस मोमेंट को हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 degrees विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ का जो एक्सिस है वो अपनी ऑर्बिटल प्लेन के साथ, जो अर्थ का ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब जब चारों तरफ चक्कर लगाती है अर्थ सन के, तो ये ऑर्बिट हो गया और इसकी ये एक्सिस होगी। तो ये एक्सिस इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 degrees का एंगल बनाती है। द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और ये ऑर्बिट जो प्लेन बनाता है इसी को हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ पे जो लाइट है वो सन के कारण आती है। Due to spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. अर्थ की spherical shape होने के कारण, मतलब अर्थ की जो आकृति है वो गोलाकार है, तो इसकी spherical shape होने के कारण अर्थ पे सिर्फ एक बार में इसका half portion ही, इसके half portion के ऊपर ही light आ पाती है। The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. जो पोर्शन सन की तरफ होता है अर्थ का, वहाँ पे तो दिन होता है, और जो इसके अपोजिट होता है वहाँ पे नाइट होती है, रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो सर्कल डे और नाइट को डिवाइड करता है ग्लोब के ऊपर, मतलब जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब पे ये हाफ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये सर्कल पीछे की तरफ भी होता है और हमें अभी इधर फ्रंट से दिखाई दे रहा है। तो ये सर्कल जो है अर्थ को डे और नाइट में डिवाइड करती है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। तो ये जो सर्कल है वो कभी, जो एक्सिस है हमारी, एक्सिस टिल्टेड है और जो सर्कल है वो इस तरीके से घूमता है, बैक साइड भी और फ्रंट से भी, तो ये इसके कभी सिमेट्री में नहीं आता, इसके ऊपर कभी नहीं आता। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कम्प्लीट 1 रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ लगभग 24 घंटे लेती है अपनी रोटेशन कम्प्लीट करने के लिए एक्सिस पे। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और इसी पीरियड को, इसी 24 घंटे के टाइम को बोलते हैं अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ का डेली मोशन होता है, हर रोज होता है। आगे देखिए, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का डायग्राम देखते हैं। तो ये सर्कल है इधर, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अभी हमें फ्रंट से दिखाई दे रहा है, सामने से, जबकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पीछे भी होता है ग्लोब के। तो ये ऐसे मान लीजिए कि ग्लोब एक गेंद है, इस गेंद के चारों तरफ ये एक एक तरीके से पीछे की तरफ भी होता है, ये सर्कल पीछे भी होता है। तो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इल्यूमिनेटेड पार्ट, इल्यूमिनेशन क्या होता है? जलना, ग्लो करना। तो इल्यूमिनेटेड पार्ट कौन सा होता है अर्थ का? जब अर्थ का कोई पोर्शन सन की तरफ हो। तो ये इधर सन रेज आ रही हैं और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको डिवाइड कर रहा है, और ये इल्यूमिनेटेड पार्ट। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होता है यदि अर्थ रोटेट ही नहीं करती, अपनी एक्सिस पे घूमती ही नहीं? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, थस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। अगर ऐसा होता, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती,
तो जो हिस्सा सन की तरफ होता है वहाँ पे लगातार दिन होता और वहाँ पे गर्मी बढ़ती जाती, कंटिन्यूस मतलब लगातार वहाँ पे वो हिस्सा गर्म होता रहता। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। जो दूसरा हिस्सा होता वो हमेशा अंधेरे में रहता और जमा देने वाली वहाँ पे ठंड हो जाती। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन संभव नहीं हो पाता। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो हमने सेकेंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं, हम अब रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। इट टेक्स 365 + 1/4 days टू रिवोल्व अराउंड द सन। तो 365 days तो कंप्लीट लेता है अर्थ, उसके अलावा +1/4 मतलब एक दिन का 24 घंटे का 1/4 day और लगता है, मतलब कितने आवर्स, 6 hours और लगते हैं। तो हम हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 365 days को ही एक साल के अंदर लेते हैं, 1 year के अंदर लेते हैं। जब ये 6 hours जो है 4 times कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 6 hours को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 hours, मतलब एक दिन कंप्लीट हो गया। तो इस एक दिन को हम 4 साल बाद जोड़ते हैं, तो उस टाइम पे तो एक साल के अंदर 366 days हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो उस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। आइए देखिए आगे, अर्थ के जो सीजन्स हैं उनकी साइकिल्स को देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। इक्विनॉक्स जो है कौन सी पोजीशन होती है, इक्विनॉक्स में सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली जाती हैं, और उस टाइम पे इक्वल डेज और इक्वल नाइट होती हैं। तो उस पोजीशन, जो पोजीशन होती है इक्वल डेज और इक्वल नाइट वाली अर्थ की, उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। उसके बाद देखिए यही पोजीशन जो है एक साल में एक बार और आती है, वो आती है 23 सितंबर को। तो इसी टाइम पे जो इक्विनॉक्स होता है और बराबर दिन और बराबर रात होता है, ठीक है, इसी पोजीशन पे। उसके बाद देखिए अगर हम बाद में देखें तो समर सोलिस्टिस जो है वो 21 जून को होता है। समर सोलिस्टिस मतलब कि इस टाइम पे जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर होता है, और इसके जो अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होता है। तो 21 जून को हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधी रेज गिरती हैं सनलाइट की। और अर्थ इंडिया भी जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। इसके बाद देखिए तुमने इक्विनॉक्स देख लिया, 2 times पे आता है ये, और विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस जो है वो 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, वो है विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस होती है 22 दिसंबर को, और इस टाइम पे क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं, और समर जो सदर्न हेमिस्फीयर है इस टाइम पे वहाँ पे समर होती है और नॉर्दर्न में विंटर। तो इसका अपोजिट होता है विंटर सोलिस्टिस समर सोलिस्टिस का। तो ये इस तरीके से जो है सीजन्स की साइकिल चलती है। स्प्रिंग और ऑटम जो है वो चेंज होती रहती है। ऊपर जो जैसे हमने इक्विनॉक्स में पढ़ा कि स्प्रिंग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद इसके अपोजिट हो जाता है 23 सितंबर को, नॉर्दर्न में तो ऑटम आ जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आ जाती है। स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। सिक्स आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर रेडी टू मेक 1 day और ए स्पैन ऑफ 4 years। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि 6 घंटे जो है हर साल सेव कर लिए जाते हैं, 365 days में से हटा दिए जाते हैं, और उसके बाद 4 साल के अंतराल में, स्पेन मतलब 4 साल का जब अंतराल आएगा, जो ब्रेक आएगा, उसमें 4 years के अंदर वो 24 hours और ऐड कर दिए जाते हैं।
दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और ये जो एक्स्ट्रा डे आएगा मतलब 365 डेज होते हैं और प्लस वन करेंगे 366, तो ये जो वन एक्स्ट्रा डे है वो हम कौन से मंथ में ऐड करते हैं, फरवरी मंथ में हम ऐड करते हैं। थस एवरी फोर्थ ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, तो हर चार साल बाद जो है फरवरी में जो है 29 दिन होते हैं 28 दिन के बजाय। सच ए ईयर विद इन 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर, तो इस साल ऐसे ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं और इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, तो नेक्स्ट लीप ईयर क्या होगा, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2020 के बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा वो चार साल बाद 2024 होगा। From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती है, तो जो फिक्स्ड पाथ है वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर नहीं है, इलिप्ट की तरह है, अंडाकार शेप की तरह है। Now notice that through this orbit the Earth is inclined in same direction. तो हमें इस ऑर्बिट में भी एक जो है बात नोटिस करनी है, एक बात पे ध्यान देना है कि अर्थ जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ इंक्लाइंड रहती है, इंक्लाइंड मतलब एक ही डायरेक्शन में झुकी रहती है। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स, तो एक साल को जो है चार सीजन्स में सामान्य तौर पर डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो सीजन्स में बदलाव आता है वो किस लिए आता है, अर्थ की पोजिशन के कारण। हमने अर्थ की पोजिशन पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में कि भी अर्थ की जो पोजिशन है उसके कारण सीजन्स चलते हैं, सीजनल साइकिल चलती है, और उन्हीं सीजन्स के कारण जो है उन्हीं मोमेंट के कारण सीजन्स में चेंज आता है। तुमने जो फिगर देखा था पीछे, यू विल सी दैट ऑन 21st जून द नदर हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तुमने देखा था कि जो नदर हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, 21st जून को। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे गिरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जैसे ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, और इस ग्लोब के अंदर ये हमने इक्वेटर बना दिया, ठीक है, और ऊपर क्या आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे कौन सी लाइन ऑफ लाइन है, कौन सा लेटिट्यूड है, नीचे नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो नदर हेमिस्फीयर के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेज जाती हैं, सीधे रेज जाती हैं, एज ए रिजल्ट These areas receive more heat. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं। The area near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. और जो poles पर जो area होंगे, जैसे ये north pole और south pole, ठीक है, और यहाँ पर sun है, तो ये direct rays जा रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, equator के ऊपर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे पोल्स पे जाते जाएंगे तो ये रे जो सन रेज है उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, और वो रेज जो है वो तिरछी गिरेंगी, टेढ़ी गिरेंगी, तो इन रेज के स्लेंट होने के कारण, तिरछी गिरने के कारण यहाँ पे गर्मी कम होती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड दस प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो एरियाज होते हैं वहाँ पे लगातार गर्मी होती है, और जो पोल्स के ऊपर जो एरिया होते हैं वहाँ पे कम होती है गर्मी, क्योंकि सन की रेज जो है स्लेंटिंग गिरती है, तिरछी गिरती है वहाँ पे, जबकि जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ है
और इसके आसपास जो एरियाज है आर्कटिक सर्कल के पास, जो पहले जो एरिया है आर्कटिक सर्कल नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर और अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, तो यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल होगा, यहाँ पे जो जगह होंगी, जो भी कंट्रीज यहाँ पे होंगी, ठीक है, वो लगातार डे लाइट जो है 6 महीने के लिए वहाँ पे दिन रहेगा वहाँ पे। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, तो इसीलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अर्थ का, जो नदर्न हेमिस्फेयर का जो हिस्सा है, वहाँ पे लगातार 6 महीनों के लिए दिन रहता है। सिंस इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और जो इक्वेटर के नॉर्थ के जो एरिया है वहाँ पे समर रहेगी। इसलिए जैसे इक्वेटर क्या होती है, मिडल लाइन होती है जो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, तो जो एरियाज इक्वेटर के नॉर्थ में होंगे वहाँ पे समर रहेगी इस टाइम पे। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट प्लेसेस अकर ऑन 21 जून, और जब लगातार कंटिन्यूस डे लाइट रहेगी उस समय पर जो सबसे बड़ा जो दिन होगा नदर्न हेमिस्फीयर में वो कौन सा होगा, 21 जून, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात बिल्कुल छोटी होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, अब सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है इसी पोजीशन पे, जब नदर्न हेमिस्फीयर में लगातार डे लाइट रहती है, ठीक है, 6 महीनों तक पोल्स पे जो है डे लाइट रहती है, दिन रहता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, और इसमें क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, और इसी पोजिशन को हम अर्थ की जो ये पोजिशन होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। आइए अब हम आगे देखते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट, अब इसका रिवर्स पढ़ रहे हैं हम। अब हम विंटर समर सोलिस्टिस हमने पढ़ लिया, वी समर समर सोलिस्टिस के दौरान नदर्न हेमिस्फेयर में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। अब इसका उल्टा विंटर सोलिस्टिस पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सीधी रे गिरती है सन की, क्योंकि इस समय पर साउथ पोल टिल्ट होता है सन की तरफ। इसके अपोजिट क्या था ऊपर कि नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल टिल्ट था, मतलब नॉर्थ पोल झुका हुआ था सन की तरफ, अभी साउथ पोल झुका हुआ है सन की तरफ, तो इसलिए सन की जो रेज है वो साउथ पोल पे ज़्यादा जाएंगी। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसीलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। जैसे ये ग्लोब है, इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये सदर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर, और ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है इस कंडीशन के ऊपर, इस स्थिति में डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट यहाँ पे गिरती हैं। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट, और इसीलिए जो है सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा सनरेज जाती हैं, दिन रहता है वहाँ पे। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो इसलिए इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में समर होती है, गर्मी होती है, विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और दिन बड़े और रात छोटी हो जाती हैं। द रिवर्स हैपन्स इन द नदर्न हेमिस्फेयर, और इसका उल्टा जो है 22 दिसंबर को जो है इसका उल्टा नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, वहाँ पे जो है रात जो है बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन, तो आपको क्या पता है कि क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि इंडिया में इस टाइम पे जो दिसंबर के अंदर 25 दिसंबर जो होती है क्रिसमस डे जब होता है, तो उस टाइम पे इंडिया में सर्दी होती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है, और इसका उल्टा जो ऑस्ट्रेलिया में जो सदर्न हेमिस्फेयर में आता है उस टाइम पे वहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है, समर सीजन होता है। ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन रेज हैं वो इक्वेटर पे अब सीधे गिरेंगी, अब ना तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरेंगी, ना ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ठीक है, गिरेंगी लेकिन वो स्लेंटिंग गिरेंगी। डायरेक्ट रेज जब
ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर है, जो बिंडल जो लाइन है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, तो इस टाइम पे जब डायरेक्ट रेज गिरती हैं इसके ऊपर तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, वो कहलाती है इक्विनोक्स। तो हमने ये डायग्राम से भी समझा था, समर सोलिस्टिस को समझा था, ठीक है, विंटर सोलिस्टिस को भी पीछे समझा था, अब हम बात कर रहे हैं इक्विनोक्स की। तो एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनोक्स। तो इस पोजिशन पे क्या होता है कि कोई भी पोल जो है ज़्यादातर सन की तरफ नहीं झुका होता, ठीक है, और जो कंप्लीट जो अर्थ है वहाँ पे बराबर दिन और बराबर रात होते हैं। तो इसी कंडीशन को हम जो है इक्विनोक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये ईयर में टू टाइम्स होता है, एक तो 21 मार्च को होता है और दूसरा 23 सितंबर को होता है। ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब 23 सितंबर को तो ऑटम होता है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और स्प्रिंग सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो ये भी हमने डायग्राम के अंदर देखा था। इसका अपोजिट 21 मार्च को जो है वो अपोजिट होता है, जैसे कि नदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर ऑटम सीजन आ जाएगा। तो आगे देखिए, थस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो आपने देखा इस चैप्टर के अंदर कि कैसे चेंजेस आते हैं डे और नाइट में, कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है, रोटेशन के कारण चेंजेस आते हैं, और सीजन्स में कैसे चेंजेस आते हैं, रिवोल्यूशन के कारण आते हैं। और हमने उन रिवोल्यूशन उन चेंजेस को भी देखा कि कैसे जब अर्थ जो है रिवोल्व करती है अपने एक्सिस पे, अपने ऑर्बिट के ऊपर, तो उसमें सीजन्स में चेंज आता है, ठीक है। हमने 4 चेंजेस के बारे में पढ़ा अर्थ के। तो इस चैप्टर में इतना ही, थैंक यू।